हेलो गाइस, वेलकम बैक सेकंड एपिसोड में। यहाँ दिखाया जाता है कि राष्ट्र सुरक्षा गुरु डीसवान यूलियन के चेहरे पर शहद लगा रहा होता है, तो यूलियन को कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूछने लगती है, तुम ये क्या कर रहे हो, अब बस भी करो। तो डीसवान कहता है, तुम समझ जाओगी थोड़ी देर में। और यूलियन के हाथ पैर तो कुर्सी से बंधे ही होते हैं, साथ में वहीं पर मेज में मधुमक्खियों का छत्ता भी रखा होता है। डीसवान मधुमक्खियों के छत्ते वाली टोकरी से कुर्सी को टेढ़ी करके हुक फंसा से इस तरह फंसा देता है जिससे अगर यूलियन हिलती है तो मधुमक्खियाँ छत्ते से बाहर निकलकर उसे काट लेंगी। लीशवान यूलियन को कमरे में बंद करके चला जाता है। यूलियन कहती है, मत जाओ, वापस आओ। अब लीशवान अपने दोस्तों के पास जाता है। उनमें से एक दोस्त बोलता है, मधुमक्खियाँ उसे काट लेंगी, लेकिन उस लड़की का चेहरा सुंदर था। कुछ मधुमक्खियाँ जहरीली भी होती हैं, वो लड़की बिल्कुल नहीं बचेगी। तब लीशवान काम का बहाना बनाकर जाने लगता है, तो उसका दोस्त कहता है, तुम उसे बचाने जा रहे हो, ये मत भूलो कि उसकी वजह से हम शहर से बाहर नहीं निकल सके। तो लीशवान कहता है, मुझे उसे मधुमक्खियों को काटते हुए देखना है। इधर यूलियन अपने आप को मधुमक्खियों से बचाते समय छत्ता नीचे गिर जाता है और उनमें से मधुमक्खियों की ढेर मधुमक्खियाँ बाहर निकलती हैं और शहद को सूंघते हुए पता लगाते हुए यूलियन के पास उसे काटने के लिए आती हैं। पर तभी लीशवान जल्दी से अंदर आता है और यूलियन के चेहरे को कपड़े से ढककर उसकी रस्सियों को भी खोलता है। तब यूलियन नोटिस करती है कि उसे मधुमक्खियाँ काट रही हैं, फिर भी वो मुझे बचा रहा है। अब दोनों मधुमक्खियों से बचने के लिए खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। इधर आसपास के लोग देखने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या आवाज़ आई, ये आवाज़ कहाँ से आई, और सभी लोग लीशवान को देखकर बातें करने लगते हैं और हंसने भी लगते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया कि वे लोग क्यों हंस रहे थे? अगर आपको पता चल गया हो तो कमेंट में लिखें यस। खैर चलो, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, वे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि मधुमक्खियों ने लीशवान को काट लिया था, उसका चेहरा फूल गया था और निशान भी पड़ गए। अब लीशवान यहाँ से चला जाता है। यूलियन भी अपनी हंसी को छुपाते हुए स्माइल करती है। अब यूलियन अपना प्रवेश पत्र लेती है और गुरुकुल में पहुँचती है। वहाँ बहुत से परीक्षार्थी भी आए होते हैं। इसी परीक्षा की बातचीत चारों तरफ हो रही थी, जहाँ जिन कुमारियों की लड़ाई हो गई थी वे भी सब आपस में मिलती हैं और एक दूसरे को दोषी बनाती हैं। लड़ाई तभी सुई पैनरन की छोटी बहन यूलियन से मिलती है और पिछले बार जो कुछ भी हो उसके लिए माफ़ी मांगती है। सुई पैनरन ये सब देखकर अपनी बहन को वापस बुला लेती है कि मेरी छोटी बहन उस लड़की से बात कर रही है और उससे माफ़ी भी मांग रही है। अब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर मेन गुरुजी दो गुरुओं के साथ आते हैं, वे आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि परीक्षा गुरु लीशवान कहाँ है। यहाँ सभी परीक्षार्थी इकट्ठा हो गए हैं और उसका ही नहीं पता चला कि वह कहाँ है। उनमें से एक गुरु कहता है कि वो बदमाश ज़रूर है, पर इतने ज़रूरी अवसर पर वह कभी भागेगा नहीं, वो आता ही होगा। वे लोग ऊँचे स्थान पर खड़े हो आते हैं, मतलब कि स्टेज पर। उस टाइम के सभी वहाँ एक नया व्यक्ति आता है, तो मेन गुरुजी कहते हैं ये किस लिए आया है। तो गुरु कहता है कि 10 साल पूरे हो गए हैं, तो शायद वो हमारी मदद के लिए आया है। उसके बारे में सभी लड़कियाँ बात करती हैं, अरे वो कितना सुंदर है, कहाँ से आया है, वो कितना सुंदर है, ऐसी बातें हो रही हैं उसके बारे में। लड़कियाँ उसकी खूब तारीफ करती हैं। सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ आती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये वही पढ़ाकू लड़का होता है जो ज़ोर ज़ोर से कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आने में देरी हो गई। हाँपने भी लगता है और आकर उसी राजकुमारी के बगल में खड़ा हो जाता है हड़बड़ी में बिना देखे। और वो देखता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो पिछली बार हुई बात के हिसाब से वो 5 कदम दूर हो जाता है। यहाँ घंटी बजती है क्योंकि सभा शुरू करने का आदेश दिया जा चुका है। भाषण में कहा जाता है कि इंसानों और कुंभवंश की लड़ाई में पिछली बार इंसानों की जीत हुई है, इसलिए साध्वी का श्राप था कि 10 साल बाद ड्रैगन सम्राट उठेगा और इंसानों को इससे खतरा है क्योंकि 10 साल भी पूरा हो गया है और हमारा गुरुकुल तिनकी का सबसे बड़ा गुरुकुल है, इसलिए इंसानों की रक्षा करने का दायित्व हमारा है। यहाँ पर आए परीक्षार्थियों में वही चुना जाएगा जो इस जंग को जीतने के काबिल हो। अब सभी में से होनहार विद्यार्थियों के लिए नियम बनाया गया होता है कि हर 2 परीक्षार्थियों के बीच मुकाबला होगा और उनमें से जो आखिरी 20 परीक्षार्थी होंगे वही गुरुकुल के शिष्य बनाएंगे और इनमें से जो अंत में जीतेगा उसे पहला स्थान प्राप्त होगा और वो परीक्षा गुरु से लड़ भी सकता है और गुरुकुल के सभी जगहों पर जा सकता है। सुई पियानरन पूछती है, क्या सभी जगहों में रहस्यमय जगह भी आती है और वो रहस्यमय जगह पर जादुई कला भी इस्तेमाल कर सकता है? तो गुरुजी हाँ में जवाब देते हैं। अब लड़ाई स्टार्ट होती है। जैसा कि नियम था वैसे ही दो दो खिलाड़ियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वे लोग आपस में लड़ते हैं, सभी अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत
तरह की जादू शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। लड़ाई अच्छी खासी चलती है। इधर दिखाया जाता है कि ली स्वैन सो रहा होता है, उसे कोई उठा रहा होता है, कहता है कि गुरुकुल जाने का टाइम हो गया और आप अभी तक सो रहे हैं। ली स्वैन जाने से मना कर देता है तो उसके पिताजी उसे सोते हुए ही अपने घोड़े पर बैठा कर उसे घसीटते हुए लेकर जाते हैं। इधर ली स्वैन अपनी आँखें खोलता है, मदद के लिए चिल्लाने लगता है, अपने पिता को कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे सौतेले पिताजी हैं क्या, और ये सब क्या है। इधर परछाइयों की लड़ाई खत्म हो जाती है और उनमें से 20 परछात्री सिलेक्ट भी हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं आप 20 परछात्रियों को कल आप लोगों के लिए एक जश्न है जिसमें होने वाला महाराज आप लोगों से मिलेंगे। सुयानरन यूलियन से कहती है हम सभी इस परीक्षा में पास हुए पर तुम खुश क्यों नहीं हो। तभी यूलियन बोल पड़ती है मैं तैयार हूँ लड़ाई के लिए। गुरुजी भी सोच में पड़ जाते हैं। तभी आवाज़ आती है किसी को बिस्तर से बांधे हुए ऊपर से नीचे फेंका जाता है, ये कोई नहीं ली स्वैन ही होता है। तभी उसके दोस्त उसकी मदद करने आते हैं और उसकी रस्सियों को खोलते हैं जिससे उसे बांधा गया था। तभी यूलियन ली के सामने आती है और कहती है सुनो मैं तुम्हें चुनौती देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे चुनौती दोगी हार जाओगी, तुम यूलियन के तुम्हारे पास जो पट्टी है वो मुझे चाहिए। ली स्वैन उसे पट्टी दिखाता है और कहता है कि क्या ये वही पट्टी है, ले लो शर्माओ मत। तभी बात को ठीक करते हुए गुरुजी कहते हैं कि एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है गुरुकुल में, ये परीक्षा यहाँ पर ख़त्म होती है। और ये भी कहते हैं कि वो पट्टी राज सुरक्षा गुरु अपने पास ही रखें क्योंकि आज की परीक्षा समाप्त हो गई है। ली स्वैन अपनी पट्टी अपने पास ही रख लेता है और यूलियन को धीरे से कहता है मुझसे जलना मत। सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी लोग को एक जगह इकट्ठा किया जाता है जहाँ उन्हें गुरुकुल के नियम कानून पढ़ाई के समय कहाँ आना जाना है, कितने बजे आना है, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी बातें बताई जाती हैं। और साथ ही में उन्हें गुरुकुल में रहने की भी जगह दी जाएगी। उनमें से जो एक नया लड़का होता है वो लॉन्गवेयर होता है, वो कहता है कि मुझे अकेले में रहने की आदत है इसलिए पूर्व में जो कमरा है वो शांत भी है, मुझे चाहिए। गुरुजी उसकी बात मान लेते हैं। ली स्वैन कहता है मुझे लड़कियों के पास वाला कमरा चाहिए जिससे अगर वो किसी भी मुसीबत में हो तो मैं उन्हें बचा भी पाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। तभी एक लड़की कहती है गुरुकुल में क्या खतरा है, लेकिन तुम होगे तो जरूर खतरा होगा। इन सब बातों से सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। अब गुरु सभी कमरे के बारे में बताते हैं कि कहाँ है। यूलियन का कमरा सुई प्यानरन और उसकी छोटी बहन के साथ होता है। तो यूलियन मन में सोचती है कि मैं इन सब के साथ कैसे रहूँगी, इन्हें मेरी असलियत का पता चल जाएगा। तो यूलियन गुरुजी से कहती है कि मुझे दूसरे लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे अलग कमरा चाहिए। लेकिन गुरुजी पूछते हैं कि ली स्वैन कहता है कि हाँ हाँ तुम्हें खराटे और नींद में चलने की आदत है ना, और तुम नहाती भी तो नहीं। और वहाँ पर मौजूद सभी परीक्षार्थी हंसने लगते हैं। यूलियन कहती है हाँ गुरुजी ये सभी ये सही कह रहा है, उसने यूलियन को भयंकर बेइज्जती की होती पर वो इस बात पर गुस्सा नहीं करती। ये देखकर ली स्वैन सोचने लगता है ये कैसा कर सकती है। अब सभी को उनके कमरे के पास छोड़कर उन्हें किताबें और बैग दिए जाते हैं। यूलियन जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अच्छे से कमरे को देखती है कि ये कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। फिर अपने गुरुजी से बात करने के लिए ध्यान लगाती है और गुरुजी के पास आ जाती है, बताती है कि इंसान कितने चालाक हैं, मैं टोकन नहीं ले पाई। उसके गुरुजी समझाते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, परेशान मत हो, तुम गुरुकुल की छात्रा भी हो, सब पर नज़र भी रख सकती हो, और टोकन लेने के लिए ज़रूरत पड़ने पर तुम ली स्वैन को मार देना। और गुरुजी उसे रहस्यमय ज़मीन का रास्ता और ड्रैगन सम्राट